नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। तो दोस्तों, आज का वीडियो जो है उसमें हम आपको बताएंगे कि अगर आपके जो स्पीकर का जो सेंटर का मैग्नेट है वो अगर आउट हो जाए तो उसको किस तरह। आप देख सकते हैं कि ये मैग्नेट जो इसके अंदर है ये गैप बिल्कुल एक साइड पे हो गया और दूसरी साइड पे बिल्कुल ही बंद हो गया है। तो ये होता है कई बार हमारा स्पीकर गिर जाता है नीचे या झटका लगने से। क्या होता है कि पीछे की ये प्लेट है इसका जो इसके अंदर जो उन्होंने सोल्यूशन लगाया था जोड़ा होता है वो छूट जाता है और ये ए मैग्नेट की वजह से ये एक तरफ चला जाता है। तो इसकी वजह से हम इसको बना नहीं पाते हैं और इसमें कॉइल नहीं लगा सकते। तो ये काफ़ी लंबा प्रोसेस होता है, कई बार अगर आप रिपेयर करवाने जाओगे तो वो भी आपको मना कर देंगे। तो चलिए, पहले आपने क्या करना है, इस तरह से इसको स्क्रू ड्राइवर से ठोक के तो आपने इसका जो ये नीचे वाली प्लेट है मेटल की प्लेट इसको हटा लेना है। तो दोस्तों, इसको हटाते वक्त आपने ध्यान रखना है कि इसके नीचे आपका हाथ ना आ जाए, क्योंकि ये मैग्नेट जो है काफ़ी पावरफुल होता है। तो उसके बाद ये हम इसकी बास्केट जो है उतार लेंगे। तो इसके अंदर देख सकते हैं आप, ये चार नट लगे हुए हैं, ये खोल के हम इसको अलग कर लेंगे बास्केट। तो इस तरह से आप जो है अपना स्पीकर अच्छे से रिपेयर कर सकते हैं, नहीं तो आपको नया स्पीकर ही लेना पड़ता है, क्योंकि इसको हम बना नहीं सकते जब तक इसका जो सेंटर पॉइंट है वो ठीक से हो ना हो। तो हम बास्केट जो है साइड में रख देंगे। तो जब ये आपने ये मैग्नेट खोलना है तो इसकी जो साइड्स हैं वो बड़े ध्यान से याद रखना, या तो आप मार्किंग कर लीजिए, क्योंकि अगर नॉर्थ पोल और साउथ पोल वो चेंज हो गया आपका मैग्नेट तो फिर वो कॉयल का नेगेटिव पॉजिटिव है वो भी गड़बड़ा जाएगा। तो इस तरह से आपने इसको मार्किंग कर लेना है और अच्छे से इसको सैंड पेपर से साफ़ कर लेना है, पुराना जो ग्लू है उसको पूरी तरह उतार लेना है अच्छे से साफ करके, ताकि नया ग्लू हम इसको अच्छे से लगा सकें। तो उसके लिए आप ये देख सकते हैं फेविबॉन्ड जो है रबर बेड एडहेसिव, तो ये आप लगा के इसको आप जोड़ सकते हैं। तो ये सिंगल ट्यूब आती है तो इसको सूखने में थोड़ा टाइम लगता है, तो हम इसी का इस्तेमाल करेंगे। इस तरह से आपने चारों तरफ लगा देनी है। तो ये देखिए जिस तरह से मैंने ये मार्किंग की हुई थी इसको, तो आपने इसको इस तरह से रख देना है। तो ये नीचे वाला जो है दोस्तों ये आसान होता है, क्योंकि ये इससे जो कोर वाला हिस्सा है सेंटर वाला ये बाहर की तरफ होता है, आप हाथ से खींच कर भी कर सकते हैं। तो इसको आपने बिल्कुल एक स्केल से आप चारों तरफ से नाप लीजिए बराबर, क्योंकि ये सेंटर में होना चाहिए, अगर थोड़ा बहुत आगे पीछे होगा तो फिर कॉयल जो है सेंटर में नहीं आएगी। तो ये हमारा नीचे की प्लेट लग गई, तो अभी हम इसको सूखने देंगे। तो उसके बाद जो है हम दूसरी ऊपर की प्लेट लगेंगे। तो अब देख सकते हैं ये 2-3 घंटे सूखने के बाद मैंने इसको फिर से ऊपर वाली प्लेट इसकी जोड़ेंगे। तो उसके लिए हम ये फोटो पेपर या कुछ भी आप मोटा पेपर ले सकते हैं, तो उसके आपने इस तरह से ये पीस कर लेने हैं 3-3, 4-4। तो ये हम चारों तरफ इसके रख देंगे, इस तरह से आपने ये रख लेना है पेपर। तो ये पेपर की मोटाई के हिसाब से आप रख सकते हैं। तो फिर हम इसके ऊपर जो है ये प्लेट लगाएंगे। तो उससे पहले हम फिर से इसको ग्लू लगाएंगे चारों तरफ अच्छे से। तो इस तरह से इसको आपने ग्लू लगाना है। तो उसके बाद हम टॉप का जो प्लेट है उसको सेट करेंगे। तो इस तरह से आपने देखना है कि आपकी उंगली वगैरह नीचे ना आए, क्योंकि ये काफ़ी पावरफुल होता है। तो अभी भी आप देख सकते हैं एक साइड का पेपर जो है टाइट है और दूसरी साइड का ढीला। तो इसको आप स्क्रू ड्राइवर से आपने बिल्कुल पूरे जो है सेंटर में करना है इसको। तो ये देखिए इस तरह से टाइट है, हम थोड़ा सा इसको अभी गीला गीला है, क्योंकि इसको ये एडजस्ट हम कर सकते हैं कहीं भी आगे पीछे। तो आप देख सकते हैं ये हमारा एडजस्ट हो रहा है सेंटर में। तो आपने भी इसी तरह से करना है इसको बिल्कुल सेंटर में। तो दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो आप देख सकते हैं ये हमारा जो है अभी मैग्नेट जो है बिल्कुल सेंटर में आ गया है। तो अब हम इसको 4-5 घंटे सूखने के लिए रख देंगे इस तरह पेपर डाल के। तो जैसे कि आप देख रहे हैं ये हमारा सूख गया है अच्छी तरह, तो हम ये अभी पेपर जो है इसका निकाल लेंगे। तो इसके बाद हम आगे का काम शुरू करेंगे। तो ये देखिए ये हमारा मैग्नेट जो है जो इसका जो सेंटर का वो बिल्कुल सेंटर में आ गया है। तो हम इसके बाद इसके ऊपर स्पीकर की बास्केट जो है लगा देंगे, 15 इंच स्पीकर है।
इसको हम चार नट लगा के जोड़ेंगे। तो उससे पहले हम इसमें ग्लू भी लगा लेंगे जिससे कि इसकी पकड़ जो है अच्छे से बन जाएगी। तो हम वही सेम वाला ग्लू यूज़ करेंगे। तो इस तरह से आपने ये बास्केट इसके ऊपर रख के नट लगा के जो है टाइट कर देनी है। तो देखिए दोस्तों, अगर आप थोड़ी सी जानकारी रखते हैं तो आप 4 से 5 हज़ार रुपये का स्पीकर जो है नया लेने के बदले आप इसी को ठीक कर सकते हैं, क्योंकि मैक्सिमम जो है मैकेनिकी शॉप जो है रिपेयर वाले इस तरह से के काम करने से मना कर देते हैं क्योंकि इसमें टाइम काफ़ी लगता है। तो आप अगर थोड़ी बहुत नॉलेज रखते हैं तो खुद भी इसको रिपेयर कर सकते हैं। तो ये देखिए हमारी बास्केट लग के जो है स्पीकर बिल्कुल रेडी हो गया है। तो आपने ये सूखने का टाइम इसको अच्छी तरह देना है ताकि ये सेट हो गए। तो अभी हम इसमें कॉइल फिट कर सकते हैं। आप देख सकते हैं ये 300 वाट का स्पीकर है। तो इसके बाद इसमें हम स्पाइडर भी लगाएंगे, 8 ओम का स्पीकर है। तो आपने देखो कॉइल जो है हर बार आप पूछते हो कि कितनी वायर रखनी है, तो थोड़ी थोड़ी आपने चारों तरफ से कॉइल को बाहर रखना है और इसके कनेक्शन जो है कॉइल के वो बिल्कुल टर्मिनल वाले जो कनेक्शन है उसके सामने होने चाहिए। तो इस तरह से आपने इसमें पेपर डालना है, स्पेसर चारों तरफ एक बराबर पेपर डालना है ताकि ये अच्छे से सेंटर में रहे कॉइल इस तरह से। तो अच्छे से पेपर आपने टाइट करके डालना है। तो बाद में हम ये पेपर निकाल लेंगे। तो ये हमारी कॉइल जो है सेट हो गई है। तो ये देखिए आपने इतना इतना कॉइल जो है बाहर रखना है, तो बिल्कुल नीचे नहीं बैठाना है, उससे आवाज़ अच्छी नहीं आएगी। तो आप देख सकते हैं कि इतना कॉइल मैंने जो है बाहर रखा है। तो अभी ये बिल्कुल अच्छे से टाइट हो गया है। तो अब हम स्पाइडर इसके साथ इस तरह से जोड़ देंगे। तो चलिए हम पहले स्पाइडर के लिए ग्लू लगा लेते हैं। तो ये हम दो तरह का ये लपॉक्स का जो आता है, ये रेजन और हार्डनर जो है अलग अलग होता है। ये और भी बहुत कंपनी का आता है, एरलडाइट का भी आता है, और तो आप कोई भी ले सकते हैं। तो ये दो ट्यूब्स आती हैं, एक में हार्डनर होता है और दूसरे में रेजन। तो आपने ये इतना इतना ही आपने ये तैयार करना है कि जितना आपका जल्दी से लग जाए, क्योंकि ये बहुत जल्दी जब हम इसको मिक्स करेंगे तो ये 2-3 मिनट के अंदर बिल्कुल सूख जाता है। तो अगर आप इसको ज़्यादा क्वांटिटी में बताएंगे तो ये वेस्ट हो जाएगा आपका। तो आपने थोड़ा थोड़ा जितना इस्तेमाल के हिसाब से इसको आपने बनाना है, तो अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो चलिए अब हम इसको स्पाइडर पे जो है लगा लेंगे इस तरह से। तो अच्छे से लगाना है क्योंकि यहाँ पे स्पाइडर पे जो है काफ़ी प्रेशर रहता है, क्योंकि जब बेस आता है स्पीकर में तो पूरा लोड जो है स्पाइडर पे जाता है। तो इसलिए हम ये स्पेशल ग्लू का इस्तेमाल कर रहे हैं इसमें, तो क्योंकि इसकी पकड़ जो है काफ़ी अच्छी होती है और ये गर्म होने पर भी उतरता नहीं है। तो ये देखिए स्पाइडर पे हमारे ग्लू लग गया है चारों तरफ अच्छे से। तो अब हम इसको जोड़ देंगे। तारें आपने अंदर की तरफ मोड़ देनी है ताकि उसके नीचे ना आ जाए इस तरह से। तो अच्छे से सेट कर लेना है आपने। तो इस तरह स्क्रू ड्राइवर से इसको ग्लू को दबाएंगे तो ऊपर से तो अच्छी तरह फैल जाएगा। तो ये बहुत जल्दी 4-5 मिनट के अंदर ये सेट हो जाता है। तो स्पाइडर लगने के बाद हम उसी ग्लू से कॉइल को जो है स्पाइडर से जोड़ेंगे इस तरह से। तो हमारा कॉइल जो है वो भी स्पाइडर के साथ अभी जुड़ गया है। एक साइड आपने अच्छी तरह से चारों तरफ इसको ग्लू लगाना है। तो उसके बाद हमारा कोन जो है हम इसमें लगाएंगे। तो कोन में आपने दूसरा वाला ग्लू यूज़ करना है साइड पे। तो इस तरह से आपने एक बिल्कुल एक जैसा ग्लू हर तरफ लगाना है आपने। तो ये हमारा कोन पे जो ग्लू लग गया, तो हम इसको कॉयल पे बिठा देंगे इस तरह से। तो आपने इसको अच्छे से बिठाना है क्योंकि साइड पे कई बार कॉयल जो है बाहर भी रहता है, तो टाइट भी होता है कई बार, तो ये जल्दी बैठता नहीं है। तो ये देखिए हमारा कोन जो है लग गया है। तो इसके बाद
तो उसके बाद आपने इसमें भी हम डबल वाला ग्लू जो है वो लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पे भी हमें अच्छी पकड़ जो है चाहिए होती है ग्लू की। तो इस तरह से हम कोन और कॉयल के बीच अच्छे से इसको ये ग्लू लगा देंगे। तो इसको हम लगाने के बाद थोड़ी देर सूखने के लिए छोड़ देंगे, और ये इसके ऊपर हम रबर गैसकेट जो है ये भी लगा देंगे। ये आपने नीचे से जो स्क्रू के लिए होल हैं वो लगा के देखना है, क्योंकि अगर आगे पीछे हो जाएगा तो फिर पता नहीं चलेगा कि स्क्रू के होल्स कहाँ हैं। तो ये भी हम लगा देंगे इसको। तो ये हमारी रबर गैसकेट जो है इसकी जो वो लग के तैयार हो गई है। तो हमारा स्पीकर अभी लगभग तैयार हो गया है। तो अब हम इसको धूप में सुखाने के लिए छोड़ देंगे 1 से 2 घंटे के लिए। तो उसके बाद हम आगे इसकी कॉइल से लगाएंगे। तो चलिए देखिए, हमारा स्पीकर जो है अच्छे से सूख गया है। तो अभी हम ये पेपर निकाल लेंगे, तो उसके बाद हम इसको मेन लीड्स जो है लगाएंगे। तो ये देखिए, हमारा कॉइल जो है लग गया, स्पीकर रेडी हो गया है। तो ये देखिए, हमारा अच्छे से ऊपर नीचे हो रहा है। तो अगर कहीं पे भी ये अटके या नीचे ना बैठे तो समझ लीजिए आपकी कॉइल की एडजस्टमेंट सही नहीं हुई है। तो ये हमारी कॉइल की एडजस्टमेंट अच्छी है। तो अब हम आगे का काम इस पे कर सकते हैं। तो उसके लिए हम यहाँ पे बिल्कुल टर्मिनल के ठीक सामने हम दो दो होल बनाएंगे। तो ये होल आपने इतने ऊपर भी नहीं बनाने हैं कि हमारी डस्ट कैप जो है उसके नीचे ना आए, क्योंकि अगर आप ज़्यादा ऊपर बनाएंगे तो हमारी डस्ट कैप जो है नीचे रहेगी और ये कनेक्शंस जो हैं ऊपर रहेंगे। तो उसके बाद हम इसके ऊपर जो स्पेशल इनेमल चढ़ा होता है कॉयल का, वो हम जला के इसको उतार सकते हैं। आप चाहें तो सैड पेपर से भी रगड़ सकते हैं, तो उससे थोड़ा टूटने का खतरा रहता है। तो हम इसको जला के अच्छे से निकाल लेंगे। तो फिर उसके बाद हम ये इसको मेन लीड्स लगा देनी है हमने इस तरह से। तो उसको अच्छे से हमने सोल्डर कर देना है, और ध्यान से आपने ये वायर्स जो हैं कॉयल की बहुत ही पतली होती हैं, तो अगर आप इसको ज़्यादा खींचेंगे तो ये टूट जाएगी, तो फिर मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि कॉयल की तार जो है अंदर से निकली होती है, तो उसको फिर दोबारा से कनेक्ट करना मुश्किल हो जाता है। तो ये हमारी एक तरफ से मेन लीड्स जो हैं लग गई हैं। तो ये दूसरा सिरा हम दूसरे सुराग में मोड़ देंगे। तो ये दो सुराग करने से दोस्तों क्या होता है कि इसको अगर आपकी वायर बाहर से खींचती भी है तो अंदर से जो पतली वायर है उस पर प्रेशर नहीं रहता है। तो बाहर से जितनी मर्जी आपकी कनेक्शन वायर खींचेगी तो देखिए अंदर की तरफ इसको प्रेशर नहीं पड़ेगा, क्योंकि उसको हमने अंदर से मोड़ दिया है। तो इस तरह से आपने भी दो होल भर के इसको लगाना है। तो उसके बाद हम जो इसकी मेन लीड्स हैं इसके टर्मिनल के साथ जोड़ देंगे। तो आपने सीधे सीधे लगाना है, इसको क्रॉस नहीं करना है, क्योंकि उससे क्या होगा कि नेगेटिव और पॉजिटिव जो पोलैरिटी है वो चेंज हो जाएगी। तो इस तरह से अच्छे से आपने इसको सोल्डर करना है। तो ये हमारी पॉजिटिव वाली लीड जो है लग गई है। तो अभी हम दूसरी लीड को भी इसी तरह लगाएंगे। तो ये देखिए, यहाँ पे जगह थोड़ी कम है, तो ये हमारी मेन लीड्स लग गई हैं। तो हमारा स्पीकर जो है अब रेडी हो गया है। तो अभी हम इस पे सिर्फ डस्ट कैप लगाएंगे और सूखने के बाद इसको टेस्ट करेंगे। तो ये हमारे अभी हम इसकी जो कनेक्शन लीड्स हैं उसके ऊपर भी हम ग्लू लगाएंगे, ताकि ये वाइब्रेशन के साथ हिले ना, ताकि टूट ना जाए। तो इसको भी आपने अच्छे से ग्लू लगाएं। इस पे चाहे तो आप दूसरा जो फास्ट वाला वो भी लगा देंगे, वो थोड़ा जल्दी सूख जाएगा। तो हमने ये वाला लगाया है। तो उसके बाद हम इसके ऊपर डस्ट कैप लगा देंगे। तो ये देखिए, डस्ट कैप भी लगने जा रही है। तो हमारा स्पीकर जो है रेडी हो गया है। तो अब हम इसको सूखने के लिए छोड़ देंगे। तो उसके बाद हम इसको करेंगे टेस्ट। तो चारों तरफ से आपने इसको अच्छे से दबा देना है इस तरह से, ताकि ये अच्छे से चिप हो जाए। तो इस तरह से हम, आप देख सकते हैं, ये मैंने एम्पलीफायर के साथ इसको कनेक्ट कर दिया है। तो ये अभी हम इसको एक सॉन्ग बजा के देखेंगे कि किस तरह से इसकी साउंड आती है।
I see your name, but you're not around.